हाजिर होया है तंदुरुस्ती। इस प्रोग्राम विच कांछी टीवी नूं देखण वाले रब वर्गे दर्शकों का स्रोतियां का निघा स्वागत। बड़े ही प्यार सत्कार अदब दे नाल जी आया नूं यह प्रोग्राम हर हफ्ते एक बजे तो लैके दो बजे तक असी डॉक्टर वली दे नाल लैके आउने आ। डॉक्टर वली दा आपां स्वागत करांगे क्योंकि उन्होंने आपां अनुभव तो उन्होंने एक्सपीरियंस तो उन्होंने एजुकेशन तो उन्होंने कोल जो कला है जो उन्होंने रब ने तफीक दिती है उन्होंने आपां फायदा ले लीए। सब तो पहला आओ तंदुरुस्ती रहने वास्ते डॉक्टर वली का स्वागत कर लीए। डॉक्टर साहब जय गुरुदेव, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। जी सर जय गुरुदेव, गुड आफ्टरनून, वालेकुम असलाम, मेरे वालों भी तुहानू सलाम अलैकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल। प्यारे दर्शको, जीवन दे वास्ते सानू खाने की बहुत जरूरत है। खाना भी हो जिहदे विच पौष्टिक तत्व होण। रोज़ असी खाना खांदे हाँ, अज डॉक्टर साहब तो यह भी पुछांगे किहड़ा खाना किहड़े वेले खाना चाहिए, की खाना चाहिए चंगी सेहत वास्ते, जिहड़ियां चीज़ां असी खा रहे हाँ उहदा टाइम की है, कदों खानियां चाहीदियां, किहड़ियां चीज़ां साढ़े शरीर वास्ते फिट वा। लेकिन असी खाई जाने हाँ, जदों साडी जिंदगी दे विच शरीर दे विच कोई माड़ी तब्दीली आउण लगे, इहदा मतलब यह है कि वह जिहड़ा शरीर नूं दित्ता होया खाणा साडे शरीर नूं माफक नहीं बैठा है। जे उन्हूं फिर भी खाई जाने हाँ फिर बीमारी धारण करती है। आओ इन्हां चीज़ां दा लाहा लैण वास्ते इन्हां दा इलाज, इन्हां नूं किवें दूर रखिया जावे, असी तंदुरुस्त किवें रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, सब तो पहला तो आपां पिछले हफ्ते जो कांछी टीवी नूं देख वाले दर्शक ने उन्हां नूं आपां बहुत कुछ सलाह मशवरे दिते, बहुत सारे ने तुहाडी उपमा तुहानूं एप्रीशिएट किया, तुहाडियां दवाइयां लै रहे। नाल ही मैं अपनी वाइफ वालों भी तुहाडा धन्नवाद करदा, उन्होंने दवाई शुरू की सी, उन्होंने चेहरे ते मुरझाए हुए चेहरे तो अगे नाल ग्लो आ गया तो थोड़ा जिहा नूर आ गया। तो अज असी सब तो पहला तो मैं आप जी तो यही पुछांगा, फिर आपां प्रोग्राम अगला शुरू करांगे। मेरे कोल बहुत सारे, क्योंकि मेरी लाइफ जिहड़ी आ संगत दे विच शुरू तो रही आ, जदों दा मैं इंग्लैंड विच आया गुरुद्वारे दे विच इनवॉल्व रहा, हुण भी हैगा कम्यूनिटी च भी हुण भी हैगे आ। सो बहुत सारे अपनियां प्रॉब्लम्स दसदे ने। तुसी एक बारी गल कीती सी भी सलाद कच्चा कदों खाना चाहिए कदों नहीं, फिर उन्हां दा सवाल आया भी रात नूं सलाद खाना चाहिए जां नहीं खाना चाहिए, रात नूं साग खाना चाहिए जां नहीं खाना। पहले तो मैं दो चीज़ों तो आप जी तो यह समझना चाहवांगा। जय गुरुदेव जी। हेलो, हाँ जी साहब। हाँ जी, मैं बलवीर बोल रहा इतों हेर तो। हाँ जी बलवीर जी। हाँ जी, मैं उहदा नाम कीता, 3 महीने हो गए डॉक्टर साहब ना कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की आ जी, ते मैसेज छड़िया रिसेप्शन दे विच ना छड़िया, टेलीफोन छड़िया, ओ गल इस तरीके ना होई आ कि शो तो अपना चलता आ जी, ते इनफॉरमेशन जिहड़ी हैगी ओ मेरे ही आ जी, जिहड़ी कॉन्टैक्टिंग पोजीशन आ ओ कुछ मेरी मतलब मेरी पर्सनल आ इह ओ हो रहा, मैनू किसी ने कॉन्टैक्ट नहीं किया। ए बलवीर जी, मैं पिछले 2 हफ्ते पहले डॉक्टर साहब नूं भी यह बेनती की थी, बहुत सारे मरीजां दे जां संगतां दे जनता दे फोन आ रहे ने भी साडा कॉन्टैक्ट नहीं आ रहा, तो डॉक्टर साहब ने इमीजिएटली उदों ही अपने असिस्टेंट नूं जिहड़े इन्हां दे कोल इन्हां दे फोन कॉल लैंदे ने उस वेले इन्हां ने उन्हां नूं यह हदायत कर दित्ती सी, ते मैनू उन्हां दा फोन भी आ गया सी भी जिन्हां जिन्हां मैं फोन नहीं कर सकिया मैं फोन करांगा। डॉक्टर साहब ये जिस अपने बलवीर भाजी हेज तो लंडन तो बोल रहे हैं, उन्हां दी अज फिर ये आप जी तक, आप जी ने सुन ही लिया उन्होंने जो कहा जी। मैं बिल्कुल सुन रहा थोड़े को, मेरा ख्याल है सिस्टम में बलवीर साहब का हूँ, मैं चाहता नहीं है कि अपना नंबर एयर से दसन, लेकिन शायद थोड़े को आ गया होएगा, तुम ये लिख लो तो प्रोग्राम खत्म होने तो बाद मैं यह नंबर दे देना, तो अज खुद असी प्रोग्राम खत्म होने तो फौरन बाद बलवीर साहब नाल कॉन्टैक्ट करा। बलवीर जी, नंबर नोट कर लिया। हाँ जी, एक मेरी रिक्वेस्ट आ जी, मैं हैगा ऑर्डिनरी टेलीफोन नंबर दे उते जी,
जिदा आप गल कर रहे हैं ना पर्सनली जी जी मेरी इसे तरीके दे नाल ही सारी लाइफ गलबात हर एक दे नाल हुंदी आ रही ते करी जा रहे हैं जी। सो मेरा टेलीफोन जेड़ा हैगा या ओहो मॉडर्न टेलीफोन नहीं हैगा जी। इट डजंट मैटर पर अगर जे ऐदा असी पर्सनली गल कर लईए दो जिदा हुण कीती आ मैनू पता के मेरा मसला जेड़ा आ जेड़ी भी मैं कोई इनफॉरमेशन देनी या लेनी चाहना आ ओहो कंप्लीट हो जानी आ स्टूडियो च लिखा दियो तुहाडे नाल असीं प्रोग्राम 2 बजे तों बाद इमीजिएटली तुहाडे नाल असीं गल करांगे। एक माड़ी जी चौंकी साहब राधा दन मूविंग ग्राउंड ओनू लिखा दियो इनू लिखा दियो मैं कोई गलत नहीं कह रहा माड़ा जा नोट कर लो वेरी इजी नंबर है मेरा बोलो फिर कैसे रह जाना बोलो बोलो 07 09 44 44 44 45 95 मिस्टर बलबीर फ्रॉम हेज। हां जी वीर जी तुहानू इसे नंबर दे उत्ते जिहड़ा मैनूं दित्ता एक बारी चैक कर लो रिपीट। हां ठीक है 079 मेरा नंबर है नहीं गलत होना 079 44 43 595 जी दैट्स राइट। थैंक यू तुहानू बाद गल करांगे वीर जी थैंक यू महाराज ओके है थैंक यू जी। हां जी डॉक्टर साहब आपा गल कर रहे सी विरार नू सलाद दे बारे च जी। अच्छा देखो शौकी साहब आज ये चीज़ भी मैं थोड़ी जी क्लीयर कर देना सलाद खाण दे बारे च जदों मैं मना करदा अपने बास मरीजां नू सलाद खाण तो कच्चा सलाद खाण तो और मैं उन्हां नू कहिंदा हुंदा कि इहनू जरा स्टीम कर लिया करो ये वो लोग हुंदे ने जिन्हां दा स्टोमिक वीक हुंदा है जिवें मैं खुद भी उन्हां लोगों च शामिल हाँ कि जिन्हां दा स्टोमिक वीक है। अच्छा जदों तुसी कच्चा सलाद खांदे हो तो एक तुहाडे स्टोमिक नूं हार्ड वर्क करना पैंदा है और वो अनडाइजेस्टिड जिहड़ा मटीरियल है जदों तुहाडी इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जांदा है तो बासकात उहदी वजह नाल ब्लोटिंग विंड गैस वगैरह बनदी है। बाकी जिहड़े लोग मोटे हुंदे ने जिन्हां दा वेट वध्या है जिन्हां नूं टाइप 2 डायबिटीज है या जेड़े पैरासिंपथैटिक डोमिनेट लोग ने हुण ये पैरासिंपथैटिक डोमिनेट लोग कौन हुंदे ने ये हुण गौर नाल सुन लो ओ लोग जिन्हां नूं सारी जिंदगी कदे नींद दा प्रॉब्लम नहीं होया उहनां दी नींद बड़ी मिठी हुंदी है गूढ़ी हुंदी है फौरन नींद फड़ लैंदे ने बैड ते पए ते नींद आ गई फिर उन्होंने कदे कॉन्स्टिपेशन का इशू नहीं होंदा उल्टा कदे कदे उन्होंने डायरिया मोशन लग सकता है। ये लोग होंदे ने पैरासिंपथैटिक डोमिनेंट इन्हों का डायजेस्टिव सिस्टम बड़ा स्ट्रोंग होंदा है ये लोग सैलड खा सकते हैं लेकिन और किस वक्त खाना है सुबह खाओ दोपहर खाओ शाम खाओ नो प्रॉब्लम लेकिन एक चीज ध्यान च रख लो कि जदों भी सैलड खाना है अगर कच्चा सैलड खाण लगे हो तो ओदे उत्ते हर हालत दे विच ओलिव ऑयल की ड्रैसिंग जरूर करनी है बगैर ऑयल पाए या फैट ऐड किते कच्चे सलाद विच ओ एक इंतहाई यूजलैस चीज़ है और बॉडी ओदे तो पूरा बेनीफिट नहीं लै सकती लिहाजा सलाद के मामले विच हमेशा अच्छी क्वालिटी का बेस्ट ओलिव ऑयल जिहड़ा है जिहड़ा अनरिफाइंड कोल्ड प्रेस्ड ऑर्गेनिक बड़ा बहुत वड्डा फ्राड हो रहा ओलिव ऑयल दे विच भी ये हुण तुहाडी अपनी हिम्मत है कि चंगा ओलिव ऑयल लभ लो ओ थोड़ा जिहा एक टेबल स्पून मिक्स कर लो अपने सलाद दे विच और ओ तुसी खा सकदे हो। बाकी जिहड़े लोग जिन्हां दा स्टोमिक वीक हुंदा है या जिन्हां दी एज अबव 60 है उन्हां नूं मैं कहिंदा हुंदा कि तुसीं कच्चा सलाद खाण दी जगह ते स्टीम कीता होया सलाद खाया करो और अगर नॉन वेज हो तो उस सलाद दे विच थोड़ा जा बॉयल मीट पाया करो और ऑयल ड्रेसिंग करया करो तुहानूं उहदा बेनीफिट मिलेगा। अच्छा दूसरी गल तुसीं कीती
साग की गल, साग की जी ये साड़ी फेवरेट डिश आ जिन्हू 24 घंटे असी रात को सुते पे भी उड़ीकते हैं। जी देखो साग बिल्कुल खा सकते हो, एक सीजन का तोहफा है, लेकिन बाज लोग एहो जे हुंदे ने जिन्हां नूं जोड़ां दे दर्द दे इशू हुंदे ने या बॉडी उन्हां दी स्टिफ हुंदी है, उन्हां लोगां दे विच मैं ऑब्जर्व कीता है कि वह जदों साग खांदे ने ते बाज का तो उन्हां दी स्टिफनेस ज़्यादा हो जाती है, लेकिन साग नालों पालक जिहड़ी है वह ज़्यादा मेरी नज़र च अफेक्ट करती है बॉडी नूं स्टिफ करन च। साग तुसी खा सकते हो, सीजन का खाया करो, जदों यानी सरों का सीजन आ जाए सरों का साग खाओ, लेकिन साग नूं भी बहुत ज़्यादा देसी घ्यो दे विच मिक्स करके खाना चाहिए और ये बहुत फायदे। अज आपां डॉक्टर साहब जेडे कि आम साढ़े बच्चों नूं भी तकरीबन बहुतिया ब्रेन की कमजोरी साढ़े छोटे छोटे बच्चे भी क्योंकि खुराक तो हूँ इदा दियाँ तो आप ब्रेन की कमजोरी वास्ते या ब्रेन वास्ते कोई योजी जी कि सारे के वास्ते लाहेवंद होी तो कोई समझना चाहते हाँ भी ये बारे तो की कहना चाहते हैं। हाँ जी देखो ब्रेन पावर देने जेडे न्यूट्रिएंट्स यूज किए जाते हैं उन्होंने असी न्यूट्रॉपिक कहने हैं, यानी न्यूट्रिएंट विटामिन या मिनरल जेडे ब्रेन पावर देंगे ने, और सब तो ज़्यादा जड़ा इंपॉर्टेंट असी गिणते हैं वो है आयोडाइन। आयोडाइन एक ऐसा मिनरल है रब दे वल्लों सानू इंसानियत नू दिता गया एक ऐसा तोहफा है कि जेड़ा साड़ी बॉडी दे वेच जिवें पानी हर जगह ते जाके पानी दा रोल है साड़ी बॉडी च, हर बॉडी दा सैल जड़ा है वह पानी दा मोहताज है, उन्हूं पानी चाहिए है। इसी तरह साड़ी बॉडी दे वेच जितने ग्लैंड्स ने यानी वो सारे बॉडी दे वेच जिहड़ी छोटी छोटी फैक्ट्रियां ने जिहड़ियां कुछ बना रही ने, मसलन थायराइड ग्लैंड है ये थायराइड हॉर्मोन बनाता है, मसलन स्टॉमिक है ये एसिड बनाता है, मसलन ओवरीज है ये हॉर्मोन बनाती है, टेस्टिकल्स ने ये स्पर्म बनाते हैं, एड्रीनल ग्लैंड है, ये जितने ग्लैंडुलर टिश्यू ने साड़ी बॉडी दे विच ये आयोडीन तो बगैर इन्हों का काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है पहली गल। दूसरी गल ये है कि आज तो मेरे ख्याल एक साल पहले यूनाइटेड नेशन ने एक स्टडी पब्लिश की सी और उन्होंने दसिया कि 90% वर्ल्ड पापुलेशन आयोडीन डेफिशेंट है, यानी उन्होंने बॉडी दे विच आयोडीन की कमी है। और तुहानू मजे की गल दसा आज तो 60-70 साल पहले ये रिसर्च हुई सी। जय गुरुदेव जी। जी मैं पूछना सीगा कि मेरी जो जिदा कहने हैं ना बहुत जिदा रैंकल जै हो जाते हैं बीबी जी की ना तुहाडा मेरी बॉडी भी स्टिंग थोड़ी जी जिदा छोटी होंगी जाती नारा जिदा ना बीबी जी ना की अपना मेरा नाम भजन कौर है। भजन हाँ जी गल करो डॉक्टर साहब तुहानु सुन रहे बीबी जी। हाँ जी डॉक्टर साहब तुहानू सुन रहे गल करो की दसना चाहते हैं। हाँ जी मैं जिदा उधर ट्रीटमेंट करती हाँ पर फिर भी मेरे है ना जिदा स्कैन मेरी रैंकल जै बहुत हो जाते हैं तो जिदा बहुत जिदा रैंकल जै तो बॉडी उदा भी स्टिंग सी जिदा छोटी होंगी जाती है। जी मैं दस दिना तुहानू इहदा प्रॉब्लम दा हल। थैंक यू जी फोन बंद कर दिओ प्लीज सुन लो। हाँ जी अच्छा देखो भैन जी भजन कौर साहब तुसी एक क्वेश्चन कीता है कि तुहाडी जिहड़ी स्किन है उहदे च रिंकल बनी जा रहे ने और यानी स्किन जिहड़ी है वह बरीक होंदी जा रही है उहदे च ग्लो घट गया और तुसी कह के मेरियां नाड़ां यानी बॉडी मेरी श्रिंक हो रही है तुसी ये कह नाड़ां छोटियां हो रही ने मीनस बॉडी तुहाडी सुकड़ रही है। अच्छा सब तो पहले तो स्किन के बारे में दस दिना कि जिहड़ी साडी स्किन है ओ कोलेजन नाल बनी हुंदी है, ये जिहड़ी साड़ी स्किन है इहदा जिहड़ा मेन सब तो इंपॉर्टेंट पार्ट हुंदा है वह कोलेजन है एक प्रोटीन है।
और कोलीजन बनाने लई साडी बॉडी नूं बहुत ज्यादा मात्रा दे विच वाइटमिन सी चाहिदा हुंदा है। लिहाजा वो लोग जिन्हां नूं स्किन रिंकल्स का इशू होए उन्हां नूं मैं कहिंदा हुंदा कि तुसीं हाई डोज दे विच वाइटमिन सी लैणा शुरू करो। इहदे नाल तुहाडी स्किन रिफ्रैश होनी शुरू हो जाएगी, स्ट्रोंग होनी शुरू हो जाएगी, थिक होनी शुरू हो जाएगी। रिंकल उदों ही स्किन ते बनदे ने जदों स्किन पतली हो जाती है, बरीक हो जाती है। और स्किन बरीक क्यों होती है कि उसकी लेयर घट जाती ने, जिहड़ियां लेयर थिकनेस जिहड़ी है उहनूं मोटा करन लई कोलेजन एक बहुत ही इंपोर्टेंट प्रोटीन है जिहड़ी सानूं चाहीदी है। और कोलेजन दे सप्लीमेंट भी मिल जाते हैं, तुसीं लैणा चाहो लै सकदे हो, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि कोलेजन अपनी बॉडी को खुद बनवानी चाहिए है सानू। और कोलेजन बनवाने लई बॉडी नू वाइटमिन सी दियो, बॉडी खुद कोलेजन बनाना शुरू कर देती है। और वाइटमिन सी जो बॉडी नू दोगे तो ना सिर्फ तुहाडे चेहरे दी झुड़ियां खत्म घट होणगियां बल्कि तुहाडे खून दियां नालियां जिहड़ियां ने वह भी साफ होण। हाँ जी डॉक्टर साहब, आप गल कर रहे थे आयोडीन ते। आयोडीन हाँ जी, अच्छा मैं तुम्हें दस रहा है कि यूनाइटेड नेशन ने एक स्टडी पब्लिश की है और उन्होंने दसिया कि 90% वर्ल्ड पापुलेशन जी है उन्होंने बॉडी के आयोडीन की कमी है, घाट है। और आयोडीन ये आज तो 70 साल पहले रिसर्च ने एस्टैबलिश किया कि अगर जिहड़ियां मावां हुंदियां ने जदों वो प्रैगनेंट हुंदियां ने अगर उन्होंने बॉडी के प्रॉपर आयोडीन पूरी होएगी, कमी नहीं होएगी, तो उन्होंने पैदा होने वाला बच्चा कदे मेंटली रिटार्डेड नहीं होएगा। जहन च रख लो मेरी गल, बाज बच्चे पैदा होंदे ने पैदा होंदे ही मेंटली ओ यानी उन्होंने दिमाग काम प्रॉपर नहीं कर रहा होंदा, रिटार्डेड होंदे ने। लेकिन अगर मां प्रैगनेंसी के दौरान हाई डोज आयोडीन का सप्लीमेंट लेंदी रहेगी तो तकरीबन चांस खत्म हो जाएगा कि उन्हों का बच्चा जरा पैदा होएगा उन्होंने कोई मैंटल हैल्थ इशू होंगे, पहली गल। दूसरी गल ये है कि आयोडीन के नाल बच्चों का आई क्यू लैवल बढ़ जाता है, मीनस कम अज कम जी कॉल ले लो। हाँ जी जय गुरुदेव जी। हाँ जी हाँ जी, कौन जी? मैं महिंदर सिंह बोल रहा जी। हाँ जी सरदार जी, डॉक्टर साहब तुम सुन रहे गल करो जी। गल इदा डॉक्टर साहब, मेरे जो हाथ पैर आ सियाल दे विच नीले हो जाते, ब्लू हो जाते, तो नम हो जाते। मैं सारे टेस्ट कराए आ, सारा कुछ सही आ। इहदे लई कोई होम रेमडी कोई जो मैं कर सकदा हां? हाँ जी सरदार रविंदर सिंह जी, तुहानू सुन लिया, डॉक्टर साहब जवाब देणगे, सुन लो तुसीं। हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ जी देखो हुण बदकिस्मती ये है कि बहुत सारिया चीज़ा जिहड़ियां ने ना ये साडे उत्ते इस सिस्टम वल्लों जिन्हां चीज़ां दे बेनीफिट हुंदे आ उहनूं बंद कर दित्ता जांदा है या डिसअपीयर हो जांदियां ने। लेकिन महिंदर साहब तुसीं कम करो, वाइटमिन B3 उहदा सप्लीमेंट लभो। लेकिन दो तरह के सप्लीमेंट होंगे ने वाइटमिन B3 दे, एक होंगे नियासिनामाइड। तुसी नियासिनामाइड जिहड़ा फ्लश कास करता है बॉडी दे विच, ये मेरी गल गौर नाल सुन लो, नियासिनामाइड या वाइटमिन B3 दा वो सप्लीमेंट जिहड़ा फ्लश करे वो तुसी 1 ग्राम डेली दा खाने दे नाल यूज करना शुरू करो। मैं तो भुखे पेट भी यूज कर लैंदा हुंदा सी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿੰਗਰ ਟਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੈਰਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨੀਆਸਿਨਾਮਾਈਡ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਕਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਬੀ ਜੀ। हाँ जी, मेरा नाम अमरजीत कौर है। हाँ जी बीबी जी। मैं कैंट तो बोल रही हूँ। कितों जी? आज बेशक इश्यू तो नहीं, मैं वैसे रीजी होना दा प्रोग्राम आगे भी देख चुकी है, सुन भी चुकी है गया। मैं कुकिंग में पूछ दी है, जरा मस्टर्ड ऑयल है, प्योर मस्टर्ड ऑयल ऐसे यूज कर सकते हैं? हाँ जी बीबी जी। तड़का लगाने के लिए दाल सब्जी में? बीबी जी हुण तुसीं डॉक्टर साहब नूं सुनो जी, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।
हाँ जी बीबी जी ने पूछा है कि क्या असी मस्टर्ड आयल या सरों का तेल जड़ा है उन्हों कुकिंग दे वेच यूज कर सकते हैं तड़का लगाने लिए। बिल्कुल नहीं यूज कर सकते। मैं जिमें बार बार थानू दस रहा हाँ कि ये जड़े ऑयल ने चाहे मस्टर्ड ऑयल होए चाहे सोया ऑयल होए चाहे कनोला ऑयल होए या ओलिव ऑयल होए ये अनसैचुरेटेड ने ये रब ने बनाया ही नहीं है गर्म करने लिए। इसलिए असी जदों सरों के तेल नू यूज करते सी असी सरों के तेल का या मालिश करते सी या सरों के तेल नू अचार च यूज करते सी कि कच्चा पा के उन्हों असी धुप्प च पकाते सी। सरों के तेल नू हाँ महीने च एक दफा दो दफा तड़का ला लो पकौड़े बना लो दैट्स फाइन लेकिन रोज किसी सूरत नहीं यूज होना चाहिए। हाँ जी जय गुरुदेव जी। हाँ जी गुरुदेव जी। हाँ जी बीबी जी कौन? हाँ जी मैं शशि बोल रही हूँ। हाँ जी बीबी जी डॉक्टर साहब सुन रहे हैं अपनी बेनती कर लो। डॉक्टर साहब ने मैं गल करनी थी। जी डॉक्टर साहब सुन रहे हैं जी। हाँ जी नमस्ते डॉक्टर साहब जी। जी नमस्ते। हाँ जी डॉक्टर साहब मैं ना मेरी जीभ दे उत्ते ना चिट्टा चिट्टा जिहा जम जांदा पहले तो काफी पत्थर होंदी सी हुण थोड़ा जिहा जरा भी मिठी कोई जिदा चाह वगैरा पी लवां पिंडी मैं इको वारी चाह सवेरे ना चाह पी लवां तो उहदे नाल मेरी जीभ जिदा कोई चीज फड़ लैंदी ना इदां दी खिची खिची जिही हो जांदी आ ते कई वारी मूंह च रात नूं पानी पहुंच जांदा आ ते दूसरा मेरे पैरां दे पंजे दिन सारा दिन बहुत ठंडे उंगलां सारियां पैरां दी बहुत ठंडियां रहिंदियां आ ते कई दफा मेरे आह जी रात नूं मैं सौंदी आ सवेरे उठदी आ बहां जिहियां जिदां सुत्तियां जिहियां हुंदियां इस तरह हो जांदियां। मतलब ये है कि इन्हां दी बॉडी च कैंडिडा जिहड़ा फंगस है उहदी ग्रोथ ज्यादा है फंगस ओवर ग्रो हो गया इन्हां दी बॉडी च इन्हां नूं उहनूं कंट्रोल करना चाहिए वरना यह फंगस यह डिसफंगस के उत्ते ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੰਗਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਫੰਗਸ ਹੈ ਅੱਛਾ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀਕ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੀਵੋਥੈਰੈਕਸਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਡੋਜ਼ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਨ ਅਗਰ 25 ਮਾਈਕਰੋਗ੍ਰਾਮ ਕਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ 50 ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੈਰ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਠੰਡੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀ ਸ਼ੌਕੀ ਸਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ हाँ मूँह के पानी आ रहा यह तो साफ निशानी है मैं ये बारे च बड़े प्रोग्राम कर चुकिया वा कि जदों भी रात के टाइम दो काम कोई करे एक तो दंद पीसे सुते हुए यानी नींद के दंद पीस रहा हो और दूसरा सुते हुए वो मूँह चो लाड़ा निकलदी हो सलाइवा निकलता है पानी निकलता है यदा साफ मतलब होंगे कि इन्हों पैरासाइट इनफेक्शन हो गई है इनफेस्टेशन हो गई है मीनस इन्हों बॉडी के बग्स वर्म्स चले गए हैं कीड़े पेट के कीड़िया पैरासाइट्स ने इन्हों अपने आप को डिवर्म करना चाहिए ये भैन जी ने जो हम गल् दसिया ने यह मतलब यह है कि फंगस भी ओवरग्रो है इन्हों बॉडी पैरासाइट भी मैं सस्पैक्ट कर रहा है ने तो इन्हों फौरी तौर पर अपनी इन दोवें चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए वरना इन दोवें चीज़ों की वजह न पैरासाइट की वजह न और फंगस की वजह बासका वड्डा प्रॉब्लम आ जाता है ज्यादा वड्डा मसला बन जाता है तो ये दोवें चीज़ा भैन जी कंट्रोल करो थोड़ी जीप भी चिट्टी नहीं होएगी और रात को पानी भी नहीं निकलेगा और इन दोवें कामों की वजह ना हुण तुसी सामने होंदे तो मैं क्रॉस क्वेश्चन करता कि तुहानू सब तो वड्डा मसला जिहड़ा होएगा वह होएगा कि एनर्जी घट जाती है थोड़ी बॉडी च एनर्जी रहिंदी ही नहीं है जदों पैरासाइट और फंगस ਦੋਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਨੇ ਉਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖੂਨ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਫੰਗਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਲ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਖਾਓ, ਨੈਚੁਰਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤਾਂ ਔਰ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਔਰ ਫੰਗਸ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ੀਦ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਬਰ 02087675769 ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਆਓ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਸ਼ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਟਿਕੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਕੰਸ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇਕ ਸਲਾਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੱਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਸ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀ ਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੇਕ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਸ਼ ਟੀਵੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੰਗਸ ਦੀ ਅਤੇ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ, ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਗ ਵਗ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਰਾਣਾ ਹੀ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟੋਇਲਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਟਿਸ਼ੂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 100% ਕਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਦ ਕੀਤੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ ਅੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੱਥਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਇਆ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਟੱਚ ਹੋਏ, ਉਹ ਐਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਏਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਕਲੀਨਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਯੂਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਯੂਰਪ, ਬਲਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾਸਾਈਟ, ਇਹ ਉਹ ਬਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਫਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,
लेकिन हुण स्कूल दे विच अगर 40 बच्चा है तुहाडे बच्चे ने उहनां नाल मिलना है उठना है बैठना है सारा दिन गुजारना है ते जरूरी नहीं कि 40 दे 40 बच्चे भी उहनां दे घर च भी सफाई का म्यार हर चीज़ का उही होए जिहड़ा वह बच्चे वो जिहड़ा कुछ लैके आणगे वह सानूं मिलेगा ते असीं अपने आप नूं खुद बचाना है। अच्छा हुण आउंदे हां कि पैरासाइट अगर हो गया या बतौर एहतियात भी असी साल एक बारी पैरासाइट तो अपने आप नूं पाक करना चाह रहे हैं उन्होंने खत्म करना चाह रहे तो की करना चाहिए इहदे लई अमेरिका दे विच मैं रिसर्च करके खुद एक बहुत पावरफुल सप्लीमेंट बनाया है उहदा नाम रखा हुआ है पैरासाइट क्लिंस ये साड़ी वैबसाइट तो भी मिल जाता है साढ़े ऑफिस फोन करके मंगा लो। मैं आम तौर पर जिन्होंने फस्ट टाइम कराना होए उन्होंने कहना हूँ 6 हफ्ते तो 8 हफ्ते इस खा लो सप्लीमेंट तुहाडी बॉडी तुहानू पता लग जाएगा कि मैं हल्का हो गया वा मेरी शरीर हल्का हो गया मेरे ताकत आ गई है चेहरा चेंज हो गया कि जो खून पीण वाले जिहड़े वह पैरासाइट खत्म हो जाएंगे तो तुम बिल्कुल नवी हो जाएगी तुहाडी बॉडी स्ट्रैस फ्री हो जाएगी तो पैरासाइट क्लीन सप्लीमेंट है। बाकी जिहड़ा फंगस है फंगस लई भैन जी ने जिहड़ा पुछिया सी और मैं उन्होंने दस्सिया कि तुम फंगस तो भी जान छुड़ाओ उहदे लई साडे कोल दो सप्लीमेंट ने एक तो है आयोडाइन जिहड़ा आपां शुरू च वी गल कीती है कि ब्रेन नूं हैल्प करदा है सानू कैंसर तो बचांदा है आयोडीन आयोडीन फंगस नूं किल करदा है लिहाजा तुसी हाई डोज च आयोडीन का सप्लीमेंट खाना शुरू कर दिओ फंगस ऐसा ऐसा खत्म हो जाएगी। लेकिन तुसी कहिंदे हो नहीं मैं आयोडीन नहीं मैनूं स्पैशल फंगस है चाहिए उहदे लई भी साडे कोल सप्लीमेंट है जिहदा नाम कैंडीडा केयर वह भी वैबसाइट तो भी मिल जाता है साडे ऑफिस फोन करके भी मिल जाता है कैंडीडा केयर और तुसी बेशक साडे कोलों ना लो कैंडीडा दे नाम ते तुसी सर्च कर लो सप्लीमेंट तुहानूं बहुत सारियां कंपनियां बनांदियां ने कैंडीडा दे सप्लीमेंट वो यूज़ करो तुहाडी जीभ जिहड़ी है आहिस्ता आहिस्ता उहदा कलर नॉर्मल जदों हो जाएगा तुहानूं पता लग जाएगा कि फंगस मेरी बॉडी चों चली गई है। इहदे इलावा फंगस लई एक होर बड़ी पावरफुल चीज़ है जिहड़ी मैं खुद हर किसी नूं कहिंदा हुंदा कि उह तुसीं घर च रखनी चाहीदी है तुहानूं उह रब दी बनाई हुई बहुत स्ट्रोंग एंटीबायोटिक है उह रब ने गिफ्ट दिता है सानूं कि खाने का खाना है एंटीबायोटिक दी एंटीबायोटिक है उहनूं कहिंदे ने आयोनिक सिल्वर ये जिहड़ी चांदी है इहदे तों उह पानी बनाया जांदा है और वो पानी तुसी उहदा कोई टेस्ट नहीं होता आम पानी की तरह होता बच्चे भी खुश होकर पी लेंदे ने इंतहा तो ज्यादा पावरफुल एंटीबायोटिक है। मैं हमेशा कहते हैं आयोनिक सिल्वर IONIC आयोनिक सिल्वर ये तुसी घर दे विच आयोनिक सिल्वर दी 15 PPM 12 to 15 PPM साढ़े कोल भी है ये घर च रखो ये एंटीबायोटिक है और कोई टेस्ट नहीं है पानी है बच्चा खुश होकर पी लेगा जदों देखो बच्चे नूं नज़ला जुकाम होया है तुसी खुद देखो मेरा गला पकड़िया जा रहा है मैनूं लगता है इन्फेक्शन हो रही है आयोनिक सिल्वर पीना शुरू कर दो हैरान हो जाओगे तुसी इंज दिनां च ठीक होगे और ये इतनी पावरफुल एंटीबायोटिक है आयोनिक सिल्वर कि मैं हर किसी नूं कहिंदा हुंदा कि घर च एक्सपैरिमेंट करके देखो कि अद्धे गिलास दो अद्धे गिलास दुध दे भर के रख लो किचन दी शेल्फ दे उत्ते एक दे विच अद्धा चम्मच आयोनिक सिल्वर पा के घोल के रख दिओ और दूजे च कुछ ना मिक्स करो तुसी देखोगे कि जिहदे च कुछ मिक्स नहीं कीता वह अगले दिन उहदी दही बनी होएगी वह खराब हो गया होएगा जिहदे च सिल्वर ऐड कीती है एक हफ्ता भी पिया रहेगा ना वह दुध खराब नहीं होएगा क्योंकि आयोनिक सिल्वर ने उहदे च जिन्ने बैक्टीरिया ने वायरस ने वह खत्म कर दे इतनी पावरफुल चीज़ है। लेकिन क्योंकि बदकिस्मती नाल सानू एंटीबायोटिक दे उत्ते ला दिता गया असी नैचुरल चीज़ा छड़ बैठे हैं एंटीबायोटिक दे खौफनाक साइड इफेक्ट ने खा जांदी है एंटीबायोटिक साडे शरीर नूं लेकिन आयोनिक सिल्वर जिहड़ी है ये फूड है तुहानू पता होएगा कि साडे इंडिया च कहा जांदा सी कि जी ये चांदी दे चम्मच लैके पैदा होया कि पहले जमाने दे विच जिहड़े लोग शौकी साहब जिन्हां कोल वसाइल हुंदे सी ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਾਂ ਗਿਲਾਸ ਔਰ ਚਮਚ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
चांदी दे प्लेट गिलास और चम्मच ये तीन चीजा अगर चांदी दिया प्योर सिल्वर दिया मिल जांदियां ने अमेज़न तो मिल जांदी ने ये इंडिया तो बहुत आम है। अगर तुसी एदे विच बर्तना च खाना शुरू कर दियो तो अद्धी बीमारी तुहाडी इन्फेक्शन उंज ही खत्म हो जाए। सो डॉक्टर साहब एक मैनू मैसेज आया कि भावें गर्मियां होण भावें सर्दियां होण उदां दे कहिंदे आ बुल फटदे आ और ईवन वो ड्राई रहिंदे आ भावें गर्मियां होण भावें सर्दियां ड्राई रहिंदे आ ते वो पुछना चाहते आ वी सानू कोई हल दसो। हाँ जी इन्हां दा एक तो लिवर का इशू है इन्हां दा लिवर वीक है लिवर कमजोर है डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है इन्हां दी बॉडी दे विच चंद एक चीज़ों की कमी है जिहदे विच सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स ने जिहड़े ओमेगा थ्री ऑयल होंदे ने और इन्हां नूं देसी घिओ बहुत ज़्यादा खाना चाहिए। जिन्हां लोगों की स्किन ड्राई होंदी है बुल फटदे ने क्रैक्स होंदे ने वो अगर रज के देसी घिओ यूज करना शुरू कर दें तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाते हैं। बाकी ये जिन्होंने तुम क्वेश्चन किया है इन्हों मैसेज दे देना कि इन्हों अपने लिवर नू क्लीन करना चाहिए इन्हों का लिवर जोड़ा है वो कंजेस्टिड है वो थकिया होया है वो अपनी पूरी ड्यूटी अपनी पूरी नहीं कर रहे। एक स्नेहा सी जी भी मेरे शरीर से लाल लाल दाग पेंदे आ चक्कर आते तो दिल घबरा ये तो तुसी बुझारत पूछ ली है मेरे को के दसो और जो आप बचपन में बुझारत पूछते सी हुण देखो लाल लाल जेडे दाग ने जी मेनू नहीं पता कि किस तरह दे ने उनां ते इचिंग हुंदी है नहीं हुंदी नहीं दाग ही पेंदे है जी दाग ही पेंदे है दाग ही पेंदे है दाग पेंदे उदों ते कोई इचिंग नहीं हुंदी कुछ नहीं हुंदा कोई इचिंग नहीं हुंदी जी धब्बे जिद्दां हुंदे ना वे जिद्दां लाल रंग दे नाल स्टैंप ला दिंदी है। हाँ जी अच्छा ये दसो कि वो दाग जड़े ने वो पूरी बॉडी ते या कुछ एरियाज ने जिथे पैंदे ने बस वो शरीर ते ही आ कहंदी जदों बाहां दे उत्ते मेरे पेट दे उत्ते यानी के पेट दे आले दुआले। हाँ जी पहले कॉल ले लिया है गुड आफ्टरनून जी जय गुरुदेव। हेलो जी हाँ जी कौन जी। हाँ जी मैं गुरमेज बोल रहा जी। हाँ जी मैं बस ना गल करनी सी डॉक्टर साहब तुहानू सुन रहे सरदार जी। हाँ जी सुते हुए उस टाइम बहुत ज्यादा खारिश ना खून निकल आंदा शरीर दे मेडिसिन काफी खा ली आ क्रीमा वगैरा बहुत मल ली कोई फर्क नहीं पै गया जो शुरू होंगे ना बहुत ज्यादा होंगी शुरू हो जाती है जी। मैं तो हां जी सरदार जी हुण डॉक्टर साहब ने तुहानू सुन लिया हुण डॉक्टर साहब तुसीं सुनो जी। ओके जी अच्छा देखो हुण ये जिस्म ते खाज होण दे बहुत सारे रीजन हो सकते ने फूड एलर्जी ये एक बहुत ही वड्डा रीजन है कि तुसीं कोई एहो जी खुराक खाई है जिहड़ी तुहाडी बॉडी नूं पसंद नहीं आई है ओदे रिस्पोंस है तुहाडी बॉडी ने हिस्टामिन रिलीज कीती है हिस्टामिन एक केमिकल है जिहड़ा साडी बॉडी दे इम्यून सिस्टम दे सैल जिहड़े हुंदे ने जिन्हां नूं असीं मास्क सैल कहिंदे आ ओह रिलीज करदे ने ओहदे नाल इह प्रॉब्लम हुंदा है खाज होणा बाज़ लोकां नूं नज़ला हो जांदा है। पहली गल तां इह है कि तुसीं चैक करो कि तुहाडा खाणा पीणा की है तुसीं बेहतर इह होएगा कि कणक और डेयरी जिहड़ी है और बदाम खाण दा अगर तुहानूं आदत है ये चीज़ा बंद कर दियो बैंगन बंद कर दियो शिमला मिर्च बंद कर दियो और कुछ टाइम लिए कच्चा सलाद ये चीज़ा बंद करो अपनी खुराक चो काट दियो और चावल इस्तेमाल करो। और दूसरा ये है कि बाज़ औकात खाज जड़ी हो रही होंगी है एक हॉर्मोन की वजह नाल भी हो रही होंगी है हुण मेरे को अगर तुहाडी प्रॉपर हिस्ट्री होएगी तो मैं गाइड कर सकदा करीमा ना लगाओ ये करीमा जहर होंदियां ने जहन च रख लो कैमिकल कॉल ले लो शोक साहब मैं फिर। हाँ जी जय गुरुदेव जी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून हाँ जी माय मास्टर जी हैड ए स्ट्रोक अगेन एंड फ्रॉम द लास्ट वन ही रिकवर्ड बट दिस टाइम ऑन द राइट हैंड साइड मूवमेंट देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ मूवमेंट ऑन द राइट हैंड साइड व्हाट एडवाइस कैन यू गिव अस ऑन दैट
and he has phlegm as well. I appreciate it. Thank you very much. And you, Dr. Saab. Okay, अंग्रेजी जवाब दी है या पंजाबी जवाब दी है? हाँ जी हाँ जी पंजाबी पंजाबी दे दे सारे बाकी सुन लो अच्छा जी ठीक है हाँ बीबी सुन लो देखो गल ये है कि स्ट्रोक जड़ा है इधर विच आम तौर पे क्या जानता है कि अगर विदिन 24 आवर तुसी चले जान्दे हो एक्सीडेंट एमरजेंसी एनएचएस कोल ते ओना कोल एहो जे इंजेक्शन है ने कि ब्रेन दे विच जिथे भी क्लॉट बनया है वो क्लॉट खत्म हो जाता है और ब्रेन की सप्लाई रिस्टोर हो जाती है जिहड़ा स्ट्रोक है बेसिकली की चीज़ है ए ओ ए ओ प्रॉब्लम है कि जेदे विच एक खास जगह दे उत्ते जिहड़ी आर्टरी है वह ब्लॉक हुंदी है वह ब्लॉक होण दी वजह नाल जिहड़ा जिस हिस्से नूं वह ब्लड सप्लाई जा रही है वह हिस्से नूं ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है और ब्रेन का वह हिस्सा डेड होना शुरू हो जाता है हुण इन्हां नूं देखना पएगा कि इन्हां दा ब्रेन कितना डैमेज होया इनफ्लेम होया और क्या वह जिहड़ा क्लॉट है हले तक है पिघल गया खत्म हो गया ते बाकी फिजियोथेरापिस्ट को हेल्प लैन यकीन इन्हां दी हेल्प करेगा और उहदे नाल इन्हां दी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी हाँ जी गुड आफ्टरनून जय गुरुदेव जी हेलो हाँ जी सत श्री अकाल बीबी जी हाँ जी सत डॉक्टर साहब हाँ जी सुन रहे डॉक्टर साहब बीबी की ना अपना हाँ जी भाजी मैं ना जो डॉक्टर साहब पूछना सी जो मेरे कई सालों तो है ना कि जो मेरे थाइप से जो पट्टा ते बरीक बरीक नाड़ा शो होंदियां आ रेड भी आ ब्लू भी आ पता नहीं स्किन पतली करके मैंने नारा दी दिया जिदा ला लो इंडिया चा कहते जो स्पोलिए जो होंगे छोटे छोटे बरीक बरीक इदा मेरे दोनों साइडा पे आ मैं पूछना चाहनी हाँ कि वह कोई डेंजरस तो नहीं कोई की प्रॉब्लम हो सकती क्यों इदा मैंने दे दिया वो बीबी जी तुम डॉक्टर साहब ने तो सुन लिया तुम हम उन्होंने सुनो की कहते हैं डॉक्टर ओके थैंक यू जी भैन जी गल पता की है कि कोई डेंजरस चीज नहीं है सिर्फ तुहाडी स्किन जिहड़ी है वह पतली हो गई है और जिहड़ी कैपिलरीज ने जिहड़ा ब्लू ब्लू नाड़ा दिसदियां ने कैपिलरीज होंदियां ने यह क्योंकि स्किन दे बिल्कुल नेड़े नेड़े होंदियां ने और कैपिलरीज दे विच जिहड़ा ब्लड सर्कुलेट कर रहा होंदा उहदा कलर ब्लूइश होंदा है डार्क होंदा है ते इसलिए तुहानूं फील होंदा है यह कोई इतनी डेंजरस चीज नहीं है लेकिन तुहानूं मैं यह दस दिंदा कि तुसीं इंज करो कि वाइटमिन सी और वाइटमिन डी जिहड़ा है ये हाई डोज च लैना शुरू करो ये ये होएगा कि नाड़ा वाला प्रॉब्लम अगे भी नहीं जाएगा क्योंकि जिमें मैं पहले भी कहा सी एक भैन जी ने क्वेश्चन किया शुरू च कि जी मेरी स्किन ते झुरड़ियां पै रही ने रिंकल्स पै रहे हैं स्किन ते मैं उन्होंने कहा कि तुसी हाई डोज च वाइटमिन सी यूज करो हुण जदों मैं हाई डोज कह रहा तो हाई डोज तो की मुराद है इस तो मुराद ये है कि कम अज कम 5 ग्राम वाइटमिन सी मिनीम सानू रोज लेना चाहिए जिन्होंने अपनी स्किन नू इंप्रूव करना है अपने खून दियां नालियां नू इंप्रूव करना है क्योंकि खून दियां नालियां भी कोलेजन नाल ही बनिया होंदियां ने समझ गए हो ना तो वाइटमिन सी का रोल उत्थे भी है तो ये बाकी ये डरन की गल नहीं है ब्लू ब्लू नाड़ा जिहड़ियां पटा ते बाहां ते कितें भी नजर आंदियां ने पिनियां ते होंदियां ने ये कोई डेंजरस चीज नहीं हाँ जी गुड आफ्टरनून जय गुरुदेव जी हेलो हेलो सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल जी मैं अमरजीत सिंह बोल रहा जी लेस्टर तो हाँ जी मेरी मम्मी जी ना दो क्वेश्चन है एक तो मेरी मम्मी ने मुंह ते पानी बहुत भरदा है पाठ करदे उसले भी पानी बहुत भरदा मुंह ते है ना जी ते दूसरा क्वेश्चन है मम्मी नु साह बहुत चढ़दा है ते इदा जे छाती साह रुक जांदा थोड़ा जिहा तुरदे साह बहुत चढ़दा है मेरे दो क्वेश्चन है जी सरदार जी तुसीं ध्यान नाल सुनो डॉक्टर साहब माता जी दी एज की है जी हाँ जी माता जी की एज की है ओ 70 ओवर है ओवर 70 है जी हाँ जी ब्लड प्रेशर दी गोली खा रहे बीपी दी गोली तो नहीं खांदे नहीं पहला सीगियां कंटिन्यू कर रहे हुन तो साल डेढ़ साल हो गए बंद करती हो सर्दी जाने है ना क्यों बंद की थी वो कहंदे ठीक है ब्लड प्रेशर ठीक है तुहाडा वो बंद करती इन्होंने गोली अच्छा अच्छा ते साह बहुत चढ़दा है थोड़ा जिहा दौड़दे बहुत चढ़दा ते पानी पानी बहुत मुंह च भरदा जी जी मैं दस दिन ओके जी टीवी से सुन देंगे ये अच्छा ये जड़ा मूंह च पानी भरदा है इहदे लई ते मैं तुहानू कहांगा कि दो चीज़ां दे सप्लीमेंट यूज करो इहदे नाल ये मूंह च पानी भरन वाला प्रॉब्लम ते होपफुली बड़ी छेती खत्म हो जाएगा एक ते तुसी आयोडीन दा हाई डोज
सप्लीमेंट यूज करो आयोडीन का। हुण आयोडीन का मसलन अगर साढ़े को पुछोगे थायरो केयर के नाम से है, थायरो केयर बड़ी हाई डोज असी सप्लीमेंट बनाया 12.5 मिलीग्राम एक गोली दे विच हुंदा है। ते आम तौर पर जिवें माता जी का केस है इन इस केस विच मैं कम अज कम 25 to 50 मिलीग्राम डेली दी मेरी एक महीने तो डोज हुंदी है। जिन्हां लोगों नूं ये इशू है ये नाल फिर मुँह च पानी भरना ये इशू ठीक हो जाता है। और नाल ही इन्हां नूं प्लीज़ तुसी माता जी नूं पैरासाइट जिहड़े ने जिहड़े बग्स ने जिहड़े वर्म्स ने उन्हां नूं भी क्लीन करन दा एक कोर्स करा दिओ 6 हफ्ते का। एक दम तगड़े हो जाएंगे इन्हां दे लग रहा कि पेट च बग्स ने। अजकल हर किसी नूं ये कोई एक घर का मसला नहीं है। जिवें मैं बार बार कहा असी गुरुद्वारे जाते हैं असी मस्जिद जाते हैं मंदिर जाते हैं असी एक दूसरे को यह पैरासाइट ये बग्स एक्सचेंज करते हैं। ये फैल गए हैं ये पैरासाइट वबा की सूरत अख्तियार कर गए हैं। और प्लीज़ मैं सारे नूं कहांगा कि अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखना है तो साल दो साल बाद उन्होंने प्लीज़ पेट के कीड़ियां का कोर्स कराया करो। लेकिन नैचुरल वो फेनबेंडाजोल एलबेंडाजोल इस किस्म दी चीज़ां नाल ना कराओ उहदे नाल पैरासाइट रजिस्टेंस पैदा कर लैंदे ने और फिर मरते नहीं है उल्टा डेंजरस हो जाते हैं। तो तुसी नैचुरल तरीके नाल माता जी दे पेट चो कीड़े शीड़ियां का कोर्स कराओ उहदे नाल पानी खत्म हो जाएगा और आयोडीन का सप्लीमेंट दिओ। बाकी जिहड़ा उन्हां दा साह चढ़दा है ये दो रीज़न करके चढ़ सकदा है, एक उन्हां दे लंग्स वीक होण और हार्ट वीक होए। अगर हार्ट वीक है उहदे लई कुछ होर चीज़ां असीं देखणी होंदी ने, क्या उन्हां दे पैरां ते सोजा पैंदा है या नहीं पैंदा, क्या उन्हां दी होर कोई सिम्पटम्स ते नहीं आंदे। अगर ये सिम्पटम्स नहीं है और उहदे बावजूद साह चढ़दा है तो फिर असीं देखणा होंदा कि क्या लंग्स जिहड़े ने उन्हां दे लंग्स दे विच पानी ते नहीं भरदा, क्या लंग्स पूरे खुलदे ने कि नहीं खुलदे। ये चीज़ां देख के फिर मैं दस सकांगा कि माँ जी का साह क्यों चढ़दा, ठीक है। लेकिन तुहानू मैं रीजन दस दिता। हाँ जी गुड आफ्टरनून जी, जय गुरुदेव। गुड आफ्टरनून जी, डॉक्टर साहब पूछना सी गाउट बारे, गाउट बारे की कोई इलाज हो सकता है? ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ ਕਿ ਬੀਬੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ 100% ਗਾਊਟ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗਾਊਟ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਫੂਡ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਗਾਊਟ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕਈ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆ ਕੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਗਾਊਟ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਗਾਊਟ ਲਈ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1-2 ਫੂਡ ਚੇਂਜਿਸ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਰੂਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਰੂਟ ਜੂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗਾਊਟ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਗਾਊਟ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੀਅਰ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਝ ਸਮਝੋ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਰਿਹਾ। लिहाजा गाउट का बहुत ज़्यादा ताल्लुक जिहड़ा है वह साड़ी फूड नाल हुंदा है। इहदे च यानी फ्रूट जूसिस तो परहेज़ करो, इहदे तो इहदे विच तुसी बीयर तो परहेज़ करो, इहदे इहदे विच तुसी कणक दीआं बणीआं चीज़ां नूं घटा दिओ। गाउट आम तौर ते ठीक हो जांदा हुंदा लेकिन इहदे लई सर्टन सप्लीमेंट जिहड़े ने उह वी बहुत फायदा दिंदे ने। हांजी डॉक्टर साहब, आ हुणे इक मैसेज मैं देखिआ ते ओ कहिंदा कि मेरे गले च हमेशा फ्लेम रहिंदी है, बलगम जी रहिंदी है, चिप चिप करदा हर वेले। ओ समझना चाहुंदा क्यों ते ओदा हल की है? हाँ जी, जिथे जिथे तक मामला है क्यों दा ते क्यों दे विच 2-3 रीज़न मेरे नोट कर लो तुसी कि क्यों हो सकदा है या केड़ी केड़ी वजह नाल हो सकदा है। एक वजह यह है कि बाज़ लोगों का स्टोमिक वीक हुंदा है और उन्हां दी जिहड़ी स्टामिक और खुराक दी नाली नूं मिलाण वाला जिहड़ा डोर है इसोफिजियल वैल्व जिहड़ा है वह लूज हुंदा है। उहदी वजह नाल एसिडिक गैसेज आंदियां ने और उन्हां नूं इरीटेशन हुंदी और फ्लैम फील हुंदा है। पहली रीज़न यह है। दूसरी रीज़न यह है कि जिन्हां लोगों का एड्रिनल ग्लैंड जिहड़ा है वह वीक हुंदा है उन्हां लोगों नूं भी
फ्लिम आ सकता है और उन्होंने हर वक्त गले दे विच फ्लिम फील होता है, एड्रिनल ग्लैंड। और तीसरी जड़ी रीजन यदि हो सकती है वो बास का अगर फंगस इन्फेक्शन होएगी या तुहाडी जड़ी नैक है इहदे विच नर्व ट्रैप होएगी, ये दो रीजन भी हो सकते हैं। हुण तुसीं खुद अपने आप को देखना है, जिन्होंने भी ये क्वेश्चन किया है कि क्या तुहाडी धौण च दर्द हुंदा है, अगर हुंदा है तो इहदा मतलब है कि फिर प्रॉब्लम नैक च है, अगर ये नहीं है फिर दूसरा टेस्ट ये करना है कि थले बह के पैरों के भार 30 तक गिनती गिननी है, फिर खड़ा होना है। अगर खड़े होने तो हल्का जहा चक्कर आ रहा है, इंज जिवें कमेटी जी आती है, अगर तुम इस तरह हो रहा है तो एड्रीनल ग्लैंड कमजोर है, इस वजह से गले चिपचिपाहट हो रही है, तुसी एड्रीनल ग्लैंड का इलाज करो, ठीक है ना। क्योंकि इहदी मल्टीपल रीजन ने, और चौथी रीजन जी मैं स्टोमिक वाली दसी सी, इहदा की मसंड इहदा की है वह तो तुहानू फील होएगा कि अगर तुहानू खाने तो बाद खट्टे डकार आते हैं, खाना पचाण च बड़ा टाइम लगता है, एसिड बनता है, तो फिर तुहाडा प्रॉब्लम जिहड़ा फ्लिम गले का है वह स्टोमिक तो आ रहा है। ये तीन रीजन करके ये प्रॉब्लम हो सकता है, हम खुद लग लो कि किहड़ा रीजन। जाते जाते आप एक गल कर लीए जी, विटामिन सी दे बारे दस दो भी हाई डोज कितना होना चाहिए। कम अज कम 5 ग्राम, 5 ग्राम जिहड़ा छोटा चम्मच हुंदा चाह वाला, कम अज कम रोज का, लेकिन मल्टीपल डोजेज, यानी अद्धा सुबह लो, दोपहर लो, शाम लो, डिवाइडेड डोजेज लेना है, और मैक्सिमम 15 ग्राम तक लेना चाहिए। मैं रिकमेंड कर दूंगा 15 ग्राम, लेकिन शुरू 15 ग्राम तो ना करो, शुरू 5 ग्राम। थैंक यू डॉक्टर साहब। प्यारे दर्शकों, तुहाडा सारे का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने फोन किए, जिन्होंने डॉक्टर साहब तो सलाह लिया। इन्हां सलाहां नूं आपां हिरदे विच मन के चलीए, इन्हां नूं चंगी तरह फॉलो करिए, आपां तंदुरुस्त रहांगे। असीं अल्लाह अगे दुआ करते हैं हमेशा, तुसीं हमेशा तंदुरुस्त रहो, तंदुरुस्ती दे नाल ही एक दूजे नाल खुशियां नाल मिलिए। अगले हफ्ते फिर इसे ही दिन इसे टाइम मिलेंगे। डॉक्टर साहब तुहाडा धन्यवाद, सारे दर्शक।